हेलो गाइज, गुड इवनिंग, की हालचाल, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज, मैं आया हूँ सौरभ जोशी से मिलने। सौरभ जोशी से मिलने में पहले भी कई बार आ चुका हूँ, लेकिन वो मिल नहीं पाए। अभी जट प्रभ जोत आए थे, तब मैं पूरा उनको हल्द्वानी सिटी में ढूंढ रहा था। आप सभी लोगों को पता ही है कि वो पहले हरियाणा में रहते थे और अभी वो जो है उत्तराखंड हल्द्वानी में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन मुझे प्रॉपर उनका घर नहीं पता है, कौन सी कॉलोनी में, कौन से मोहल्ले में है। लेकिन अब मेरे पास उनका पूरा डिटेल है, कॉलोनी भी पता है, सिटी भी पता है, घर भी पता है। थोड़ा पीछे नॉइज़ को अवॉइड करना, क्योंकि मेन रोड पे हैं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है वाहनों की। असल में गाइस, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं पहले भी उनसे कई बार मिलने के लिए ट्राई कर चुका हूँ। जैसे 7 ताल गए थे तो 7 ताल भी नहीं मिल पाए थे, नैनीताल में 2 बार आए हैं तब भी नहीं मिल पाए थे, एक बार तो उन्होंने मीटअप भी रखा तब भी नहीं मिल पाया। मीटअप रखा तो मैं बाहर था तो नहीं मिल पाया, लेकिन जिस दिन जट प्रभजोत आए थे उनके घर, उस दिन मैं उनको हल्द्वानी में ही ढूंढ रहा था, लेकिन नहीं मिले। गार्ड अंदर जाने देगा नहीं जाने देगा वो भी पता नहीं है। उनके लिए मैं एक बहुत तगड़ा सरप्राइज लेके आया हूँ। मैं आपको बता दूँ, इसमें पेंटिंग है, 3 पीस पेंटिंग है। इस लेवल पे इसकी कीमत जो है 2.43 लाख है, और देखते हैं अगर वो मिलेंगे तो ये सरप्राइज और एक गिफ्ट ज़रूर देंगे उनको। और इसमें क्या है मैं वो आपको बाद में दिखाऊंगा, फ़ोटो डाल दूंगा इधर साइड में, वो आप देख लेना। और बाकी वो ओपन करेंगे इसको तो आपको उनके ब्लॉग में मिल जाएगी देखने को, क्योंकि वो इसको अनबॉक्स ज़रूर करेंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं और उनसे मिलते हैं। यहाँ से केवल उनका घर 3 मिनट की दूरी पर है, तो निकलते हैं और मिलते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं उनसे, बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर हैं। तो चलो गाइस, कोशिश करते हैं और मिलते हैं उनसे, बस यहाँ से कुछ ही सेकंड की दूरी पर हैं वो। आगे क्या होता है ऊपर वाला मालिक, यही वो जगह है जहाँ पर वो रहते हैं, और देखते हैं, कोशिश करते हैं। जाने दिया मेरे को गार्ड ने, उसको पता नहीं लगा। सौरभ भाई की ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये गाड़ी है सौरभ भाई की, और यही उनका घर है। फिर उसकी गाड़ी खड़ी हुई है, मंदिर तक चलते हैं और कोशिश करते हैं। तो ये वो मंदिर है जिधर वो घूमते रहते हैं, और ये वो बहुत ही सुखेर एरिया है। मुझे नहीं पता मिलने देंगे नहीं मिलने देंगे। आई डोंट नो, ये गाड़ी खड़ी हुई है सौरभ भाई की, और यही वो घर है। उधर अंदर उसकी पीयूष की साइकिल भी खड़ी हुई है, कोई है नहीं, ऐसे सही नहीं लगता डिस्टर्ब करना। बाद में देखते हैं क्या होता है। और उसका बीच वाला भाई जो है, तीनों भाई बाइक लेके राइडिंग पे गए हैं। अभी पता लगा मेरे को कि वो राइडिंग पे हैं, लेकिन आप गलत टाइम पे आए और उनको शाम हो जाएगी। तो चलो अभी चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ से आपको दिखेंगे सुंदर पहाड़, बहुत खूबसूरत हिल्स दिख रही हैं यहाँ से, एकदम ग्रीन ग्रीन, और ऊपर धुंध भी थोड़ी लगी हुई है, फॉग लगा हुआ है। लेकिन जैसा आज सुबह 8 बजे सौरभ जोशी ने डाला था,
आप लोगों ने देखा होगा उनकी मम्मी ने दाल वगैरह सब सुखा रखी हैं, और मैंने भी वीडियो में रिकॉर्ड किया था वो बाहर से ही गेट से, आपने देखा होगा वहाँ पर थोड़े बर्तन रखे हुए हैं। तो पक्का हो गया, लेकिन यार ये दिक्कत है कि शाम के टाइम पे चांस ज़्यादा रहता है उन लोगों के मिलने का। और जब मैं गया था तो 1:05 हो रहा था, तो उस टाइम दोपहर का टाइम होता है, दूसरा कोई बाहर निकलता नहीं है, तीसरा हो सकता है कहीं वो हिल्स में ब्लॉग बनाने गए हों। अभी किस्मत है, देखते हैं धीरे धीरे, अगर मिल सकते हैं तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो फिर कभी। लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है, आप लोगों को मिलवाऊंगा और मैं भी मिलूंगा, ये प्रॉमिस है। ये वाला रास्ता जो है इधर, जो जिधर ऑटो जा रहा है इंडिकेटर दे रहा है, इधर रास्ता भीमताल का है, और जिधर हम जा रहे हैं ये रास्ता नैनीताल का है। अब वो लोग नैनीताल गए हैं भीमताल गए हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, जो जिधर वो महंगी खाने जाते थे वो ये रास्ता है, ठीक है, ये वाला रास्ता है, इस पर वो महंगी खाने भी आए थे, घूमने भी आए थे। और इधर मैं पहली बार जा रहा हूँ, इससे पहले मैं भी कभी नहीं गया था। तो ये इधर HMT कॉलोनी है, फैक्ट्री भी है। HMT आप जानते होंगे, जो पहले वॉच बनाती थी, बहुत ही फेमस वॉच थी HMT की, और अभी जो है HMT वॉच बंद ही हो चुकी है, और प्रोडक्शन भी इधर बंद हो गया है। इधर की जो बिल्डिंगें हैं वो सारी टूट गई हैं, आप देख सकते हो पूरा घास जम रही है, झाड़ उग रही है, तो बहुत ही बुरी तरीके से ये जंगल बन चुका है पूरा। HMT कॉलोनी ख़त्म हो चुकी है पूरी, जो यहाँ लोग रहते थे, जो कंपनी थी, फैक्ट्री थी, एकदम बर्बाद हो गई। आप देख रहे हो पूरा झाड़ उग रहा है पूरा फैक्ट्री में, सारे शीशे वीशे सब टूटे पड़े। किसी टाइम पे ये बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, यहाँ पर लोग काम करते थे, पूरी केयर चलती थी, लेकिन अभी पूरी ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इधर रह रहे हैं, केयर चल रही है। और यहाँ से हम वापस चलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कॉलोनी है इधर, हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, प्रतिबंधित एरिया है इधर। अभी आजकल इधर लोग ड्रिंक वगैरह करने के लिए और घूमने वगैरह के लिए इधर आते जाते हैं। पूरा जंगल है इधर, और जानवर भी आते हैं, थोड़ा लोग इधर इंजॉयमेंट करने के लिए बहुत आते हैं। अब HMT कॉलोनी का जो रोल रह गया है, पता है, इधर लोकल के कपल्स ज़्यादा जाते हैं उधर, वो इसलिए क्योंकि लोकल्स को होटल्स मिलते नहीं हैं, और फिर वो कपल्स लोग जो है इधर घूमने के लिए जंगल में आते हैं इधर साइड को। आप कभी भी आइएगा इधर, आपको बहुत सारे कपल्स मिलेंगे घूमते हुए। लेकिन फैक्ट है, सच्चाई है, जो है सो वो है, मैं बता रहा हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि तुम गंदे हो, ऐसे हो, वैसे हो, ये करते हो, वो करते हो, तो भाई देखो यार, हर तरीके के लोग रहते हैं इधर इस दुनिया में, कोई सही है, कोई गलत है, कोई बढ़िया है, कोई अच्छा है, सबको लगता है कि जो कर रहा है वो अच्छा ही है, कुछ भी गलत नहीं है। तो आप लोग भी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, क्या गलत करेंगे। बाकी मैं तो सौरभ जोशी को ढूंढ रहा हूँ, मैं तो इसलिए गया था उधर कि क्या पता उधर फिर बैठे हों, टहलने आए हों, घूमने आए हों, क्योंकि उधर उनको ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, ज़्यादा एरिया के बारे में पता नहीं है ना उनको, तो बस जिधर अच्छा लगता है उधर निकल लेते हैं। तो मैंने कहा हो सकता है आज भी इधर ही आए हों घूमने, तो चलता हूँ करके। तो आज तो उधर कोई नहीं है, किस्मत में होंगे तो मिल जाएंगे, क्या पता नैनीताल घूम रहे हों। गाइस देख रहे हो खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत पहाड़, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे। और इन्हीं पहाड़ों में, इन्हीं घने जंगलों में एक नीचे बहुत अच्छी रिवर है जिसका नाम गोला है, और इन्हीं घने जंगलों में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों में आपको वाटरफॉल भी मिलेंगे, यानी कि झरने भी मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे झरने, में आपको दिखाता हूँ आगे हैं, वैसे दो तो पीछे निकल गए और भी आगे हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहे हो आप, एक तो ये वाटरफॉल है, काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है ये, वो बहुत छोटे छोटे थे जो पीछे थे,
लेकिन अगर आप और वाटरफॉल देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, नैनीताल में बहुत अच्छे अच्छे वाटरफॉल हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वाओ गाइस, अमेजिंग, देख रहे हो आप लोग कितना प्यारा व्यू है, कितनी प्यारी सीनरी। ओ माय गॉड, क्या बताया जाए यार, वाओ अमेजिंग अमेजिंग। यहाँ से पीछे का व्यू था और यहाँ से जस्ट नीचे आपको खाई मिलेगी और सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे और ऊपर नीला आसमान मिलेगा आपको। मौसम ठीक है, बारिश हो सकती है शाम तक, क्योंकि कल भी यहाँ पर बारिश हुई थी, हल्द्वानी में भी बारिश हुई थी और आज भी मौसम कुछ बोल रहा है। मौसम अच्छा खासा ठंडा होने लग गया है, मतलब अभी आप बाइक चलाएंगे या फिर गाड़ी का शीशा, फोर व्हीलर का शीशा खोलेंगे तो आपको अच्छी खासी ठंडक फील होगी। मतलब आपको लगेगा कि वाकई में यहाँ पर स्वेटर की ज़रूरत पड़ सकती है ऐसा। लेकिन मस्त है, बढ़िया है। ये छोटा सा एक झरना ये है लेकिन बंद हो चुका है, ये बारिश के मौसम में एक्टिवेट होता है। और दूसरा यहाँ पे झरना है और ये जो है अभी बंद हो चुका है। तो झरने तो बहुत सारे हैं नैनीताल में जिनकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आप हमारे YouTube चैनल को जाएंगे, विजिट करेंगे और वहाँ पर वीडियोस में ऑप्शन है, वीडियो में जाकर आप चेक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स की वीडियो मिल जाएंगी जो नैनीताल के हैं। आके मेरे बाल तो चंपू जैसे हो गए, देखो गाइस पूरा फॉग लगा हुआ है पीछे और ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों में खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ ऊपर का व्यू और ऊपर से नीचे जाते हुए। देख रहे हो आप पूरा नीचे तक, वहाँ पूरा मेरे को लग रहा है जैसे मैं बादल ही बादल है। ये देखो, ठीक है, रोड पे पूरा ऊपर आसमान तक जाओगे तो पूरा फॉग दिख रहा है, फॉग, और यही फॉग बादल बोलते हैं इसको। तो इसी फॉग को देखते हुए और बूंदाबांदी को होते हुए ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि शायद 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 बारिश हो रही हो। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लाल अभी यहाँ से बस नैनीताल थोड़ी दूरी है, पहुँचने वाले ही हैं, थोड़ा ही टाइम लगेगा नैनीताल पहुँचने में। मतलब इतना सारा फॉग है, इतना सारा फॉग है कि ऐसा लग रहा है कि मैं बादलों में हूँ। भाई गॉड, ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को, आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा ऐसा फीलिंग आ रहा है जैसे बादलों में चल रही है मेरी बाइक। लो पहुँच गए हम नैनीताल, ये है हमारा नैनीताल। इसी बात पे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। जे हमारी धनो छे, जे हम छे और जे हमार नैनीताल छे, एकदम प्यारो छे, बढ़िया छे और जे हमारो प्यारो घर छे। वैसे तो गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती है, गिफ्ट अनमोल होता है, उसका कोई मोल नहीं होता, उसका कोई प्राइस नहीं लगा सकता। लेकिन मैं सौरभ भाई के लिए ये गिफ्ट लेके गया था। अगर इसके कीमत की बात की जाए तो मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन मैंने कहा ना इसकी कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है। और ये मैं गिफ्ट देने के लिए गया था लेकिन वो नहीं मिले। आज भीमताल घूमने गए हैं, अगर आगे फिर कभी मिलेंगे तो ये गिफ्ट उनको ज़रूर दूंगा। ये गिफ्ट उनके लिए मैं लेके आया हूँ, 3 पीस हैं, सिर्फ फर्स्ट पीस ही दिखा रहा हूँ इस पर, 2 पीस बैक साइड में है और वो तभी दिखाऊंगा जब सौरभ भाई को दे दूंगा। बहुत ही खास है ये, तो कुछ भी नहीं है लेकिन जो बैक साइड के हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपना प्यार भी दिखाइए, कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जय हिंद, जय भारत।